आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का बहुत स्वागत है चैनल पर। और आज हम लोग एक गोल्डन स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं, और सोने की चिड़िया बनेगा ये स्टॉक आने वाले 5 सालों में। आप मेरी बात को हल्के में अगर लेंगे आज तो नुकसान आपका है, लेकिन मैं आपसे ये बता रहा हूँ, खोल के बता रहा हूँ कि ये स्टॉक आने वाले 5 सालों में सोने की चिड़िया बनने वाला है। FMCG सेक्टर का स्टॉक है, ज़बरदस्त इसके अंदर पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। फिलहाल स्टॉक अपने बहुत ही लोअर लेवल पे चल रहा है, यानी कि प्राइस अगर देखेंगे तो पैनी प्राइस में आपको एक बड़ा वेल्दी और वर्थी स्टॉक अवेलेबल हो रहा है। क्योंकि जो अच्छा निवेशक होता है, जो बड़ा निवेशक होता है, वो अच्छे स्टॉक की बॉटम लेवल पे पहचान करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है और उस वक्त उसमें निवेश करता है, ताकि जब वो 5 से 8 साल 10 साल में कुछ बड़ा बन जाए, एक ऐसा स्टॉक जो कि दूसरे लोग खरीदते हुए भी डरें, उनके अंदर सोचे कि पैसा निवेश कहाँ तक करें, क्योंकि इतना महंगा हो चुका है वो स्टॉक। ऐसे स्टॉक में अगर उसको लोअर वैल्यूएशन पर बिल्कुल सस्ते पैनी प्राइस में निवेश करते हैं तो आपकी ज़िंदगी का काया पलट हो जाता है। और ये गोल्डन स्टॉक आपकी ज़िंदगी का काया पलट करने की पूरी मादा पूरी क्षमता रखता है। दोस्तों खाने के शौकीन हम हमेशा से रहे हैं, इसीलिए फूड और कंजम्पशन, जो अगर हम बात करते हैं फूडिंग सेक्टर की, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, इन सभी सेक्टर्स में कभी भी आपका निवेश बेकार नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा खाने के शौकीन बने रहेंगे, और खाने के शौकीन जब लोग बने रहेंगे तो फूड और ग्रॉसरी से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो आपको बड़े 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 और बहुत बड़े मुनाफे देंगे। आज ऐसे स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और लेवल्स को नोट कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिर मैं बताऊंगा आपको, SIP के माध्यम से निवेश करना है, क्योंकि ये स्टॉक आपको 6 महीने में ही रॉकेट नहीं हो जाएगा, ग्रेजुअली बढ़ेगा ये स्टॉक। इसीलिए आप SIP से निवेश कीजिए, अगले 2 साल निवेश कीजिए लगातार SIP से एवरी मंथ। उसके बाद आप शांत होकर बैठ जाइए और आप 5 साल के लिए छोड़ दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी जो कैपिटल थी, जो प्रिंसिपल अमाउंट था, वो कितने गुना बढ़ चुका होगा। तो आइए स्टॉक का नाम जानते हैं, चर्चा करते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो लोग नए हैं उन सभी से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अगर आप बेल का आइकन प्रेस करते हो तो आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का डिटेल मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दे रखा है, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, और हमारे साथ आप पेड मेंबरशिप में भी ज्वाइन हो सकते हैं स्टॉक के बेस्ट लेवल्स को जानने के लिए। तो दोस्तों स्टॉक कोई और नहीं, अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का स्टॉक है फ्यूचर कंज्यूमर्स लिमिटेड। ऑलरेडी हम लोग इससे पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, बट इस वक्त ये स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर नजर आ रहा है मुझको। 39.70 पैसा ये स्टॉक का वैल्यूएशन है, लोअर लेवल थे, यहाँ से डाउनसाइड मुश्किल से मुझे 2-3 रुपए के नज़र आते हैं। अगर 35 तक भी आप मानेंगे तो मैक्सिमम 4 से 5 रुपए का डाउनसाइड है, बट जो अपसाइड का पोटेंशियल है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर बात करते हैं तो लगभग 70 रुपीज़ का टारगेट मैं मानता हूँ अगले 6 से 8 महीने के अंदर इस स्टॉक के अंदर, 9 महीने भी मान सकते हैं। फिलहाल कंसोलिडेशन है, एक बार कंसोलिडेशन ओवर हो जाएगा उसके बाद, चूंकि स्मॉल कैप सेगमेंट ने और मिड कैप सेगमेंट ने ऑलरेडी अपना बॉटम बना लिया है, यहाँ से गिरावट अब बहुत लिमिटेड रह गई है, अपसाइड का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। उन्हीं में से कंज्यूमर जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का फ्यूचर कंज्यूमर है वो भी स्टॉक आता है, 39.70 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। आज जब मार्केट ने 150 पॉइंट की डिप ली है, वहाँ पर ये स्टॉक 1 रुपी अप में बंद हुआ है। सो ये बताता है स्ट्रेंथ के बारे में स्टॉक की। जो बेसिक आपको बता देते हैं हम लोग, 533400 ये इस स्टॉक का BSE का कोड है, एफ कंज्यूमर, FCONSUMER ये इसका NSE का कोड है, फूड एंड प्रोसेसिंग सेक्टर का स्टॉक है। इसके अलावा फंडामेंटल ग्राउंड पर अगर बात करूँगा तो 7,605 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है, यानी कि नए रूल के मुताबिक ये मिड कैप सेगमेंट का स्टॉक है। अगर प्राइस टू बुक की बात करते हैं तो 7.39 इसकी प्राइस टू बुक है, यानी कि अभी ये अपने बुक वैल्यू से काफ़ी हेल्दी, काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है 7.39 के बुक वैल्यू पे। लेकिन ये लास्ट फोर ट्रेडिंग जो क्वार्टर्स हैं उनके जो आपका प्राइस टू बुक दिखाया हुआ है, बुक वैल्यू 5.37 है और इसका जो फेस वैल्यू है 6 है।
इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको SIP के माध्यम से निवेश करना है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये स्टॉक अगले 5 साल के लिए आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में मल्टीफोल्ड रिटर्न देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्री भी आप समझ सकते हैं, इस इंडस्ट्री की भी 63.81 है। साथ ही साथ मैं आपको इसकी जस्ट ए मोमेंट, यहां पर हम लोग बात करते हैं screener.com पे, .in पे जाते हैं हम लोग, और यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी जो स्टॉक की पी है एफ कंज्यूमर, स्टॉक की पी अभी नहीं दिखाई है बिकॉज जो ROE है वो माइनस में है इनका। EPS भी अभी कंपनी का प्रॉफिट नहीं आ पाया है, 0.12 का लॉस, मतलब 12 लाख का लॉस कंपनी शो कर रही है। बट ओवरऑल यही समय है जब आपको स्टॉक के अंदर एंट्री पोजिशन बना रही है। इसके ब्रांड्स जबरदस्त हैं, फ्यूचर ग्रुप का स्टॉक है ये, काफ़ी तेजी से एक्सपेंशन प्लानिंग हो रही है इनकी इस कंपनी के बारे में, और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप लोग एक बार देख लेते हैं। लगभग 43% स्टेक प्रमोटर्स के पास है, 20% स्टेक क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है, रेस्ट 22.63% जो वो एनी अदर्स NBFC या कुछ भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, अदर बिग इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, और इंडिविजुअल्स के पास केवल 12.88%, यानी इंडिविजुअल के पास बहुत छोटा स्टेक है। पब्लिक होल्डिंग की अगर बात करता हूँ, सो पब्लिक होल्डिंग में आप देख सकते हैं ये इनके पब्लिक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज ट्रस्ट, क्लियरिंग मेंबर्स, डायरेक्टर, डायरेक्टर रिलेटिव्स, ठीक है, राइजिंग इंडिया फंड प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, ठीक है, तो NRI नॉन रिपीट, तो ये इनके पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड, फॉर्मली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जिसको बोला जाता था, अवनी किशोर कुमार बियानी रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर के रिलेटिव हैं, रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर्स आशी अश्नी किशोर बियानी, तो ये सारे इनके प्रमोटर्स हैं। किशोर बियानी प्रमोटर हैं, रायका कमर्शियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, सेंट्रल डिपार्टमेंट स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथ ही साथ इसके फाइनेंशियल को भी एक बार हम चर्चा करेंगे कि किस तरह की, देखिए अभी कितनी प्रॉफिटेबिली ये मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि पिछले 5 सालों में कंपनी ने किस तरह की ग्रोथ रेशो दिखाई है। तो यहाँ पर ओल्ड फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 483 करोड़ का कंपनी के ऊपर टोटल डेट है, जबकि नेटवर्थ है कंपनी की 1302 करोड़ की, 953 करोड़ से इंक्रीज होकर 1300 करोड़ के आसपास की नेटवर्थ कंपनी की हो चुकी है। रिजर्व जहाँ पर 14 में 5 करोड़ का लॉस दिखा रहे थे, माइनस के 5.5 करोड़ था इनका रिजर्व, वही अब 160 करोड़ के आसपास का रिजर्व आ गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी 680 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, एंड इसके अलावा अगर प्रोविजंस की बात करते हैं तो 300 करोड़ का प्रोविजंस है, लगभग 16 करोड़ का प्रोविजंस है, ठीक है। टोटल करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन मिलाकर 300 करोड़ है, नेट एसेट 1785 करोड़ के, और बुक वैल्यू स्टॉक की 6.81 की है, यानी कि 2018 तक इनकी बुक वैल्यू 6.81 की है, और अभी लगभग 6 to 7 times स्टॉक बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ईयरली नंबर की बात करते हैं तो ईयरली नंबर भी कंपनी के यहाँ पर हमने आपको शो किए हैं, 2018 में 2430 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, जबकि 2017 में 1640 करोड़ का था, 800 करोड़ का टर्नओवर कंपनी ने एक साल में इंक्रीज किया। वहीं हम अगर बात करते हैं प्रॉफिट्स की तो आप देखेंगे जो PBT है वो 32.6 करोड़ का आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 2018 में, जबकि 2017 में ये केवल 8 करोड़ का था, यानी कि 4 times प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। नेट प्रॉफिट 7.78 करोड़ से बढ़कर 32.34 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट पहुंच गया कंपनी का। ओवरऑल आप समझ सकते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस साउंड गुड रही है 2018 के अंदर। क्वार्टरली नंबर की अगर बात करेंगे तो जून टू जून क्वार्टर की कंपेयर अगर हम करते हैं तो लास्ट जून में कंपनी का टर्नओवर 517 करोड़ का था, जबकि करंट जो जून है जून 18 में 650 करोड़ के आसपास का कंपनी ने नेट सेल्स जनरेट किया था। और क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट सेल्स रही थी मार्च और जून क्वार्टर के बीच में। प्रॉफिट 10.89 करोड़ जून 18 में, जबकि लास्ट ईयर जून 17 में 6.25 करोड़। तो आप समझ सकते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में है, ग्रोथ कर रही है, और ये चीज़ इंडिकेशन देती है कि कंपनी का आने वाला टाइम जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट होने वाला है। फ्यूचर कंज्यूमर की वेबसाइट पर मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर आप इसके प्रोडक्ट को देख पाएंगे, FMCG 2.0 इज हियर। तो यहाँ पर हम लोग इसके कुछ प्रोडक्ट्स को भी एक बार देखेंगे जरूर।
गोल्डन हार्वेस्ट इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने बिग बाजार में शॉपिंग की होगी स्पेशली गोल्डन हार्वेस्ट उन्होंने जरूर खरीदा होगा प्रोडक्ट। गोल्डन हार्वेस्ट प्राइम कार्मिक, ठीक है, और इसका टेस्टी ट्रीट, बहुत सारे लोग टेस्टी ट्रीट खाते हैं, सनकिस्ट, ठीक है, एकता, उसके अलावा आप देख सकते हैं ये पूफ, मेरा स्वाद, कारा, ठीक है, ये आप देखें नीलग्रीज, थिंक स्किन, टीआर, स्क्रीनमेट, केयरमेट, तो ये बहुत सारे इनके प्रोडक्ट एंड मोर एक्साइटिंग ब्रांड्स आर कमिंग सून। बहुत सारे ब्रांड्स पे ये लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनका जो पूरा प्लानिंग है वो एफएमसीजी सेक्टर में पूरा एक मार्केट को कैप्चर करने का पूरा प्लान बना रहे हैं ये लोग, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये लोग डेफिनेटली कुछ बड़ा करेंगे। कोश, देसी आटा कंपनी, गोल्डन हार्वेस्ट प्राइम, कार्मिक, एकता, मदर अर्थ, टेस्टी ट्रीट, सनकिस्ट, टेरा, फ्रेश एंड प्योर, सांगी किचन्स, पूफ, ग्रोजी, मेरा स्वाद, नीलग्रीज एंड बेकर स्ट्रीट एंड द वेज अफेयर्स। आप देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स की रेंज को, ज़बरदस्त रेंज है प्रोडक्ट की, बिजनेस फूड एंड एफएमसीजी ब्रांड, बिल्डिंग एंड पार्टनरशिप, बिल्डिंग फूड इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रेंचाइज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। और जब ये फ्रेंचाइज लेवल पर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ग्रॉसर्स की, फूड एंड यू नो फूड प्रोसेसिंग आइटम की जो फ्रेंचाइज है उनका काफ़ी बोलबाला होने वाला है। सो ओवरऑल कंपनी का फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट लगता है अगर आप लोग आज खरीदेंगे, क्योंकि आज ये अपने सबसे निचले स्तर पर है, यहाँ से गिरावट बहुत ही सीमित रह जाती है, जबकि स्काई विल बी द लिमिट, ठीक है। तो ये इस स्टॉक के बारे में हमने आपको बताया। टेक्निकली मैं आपको जरूर एक बार इसके चार्ट को लेके जाऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डेली चार्ट है और ये 38.6 इसका डेली बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल है। अगर ये यहाँ से रिवर्सल ले लेता है और ये उसको होल्ड करके रखता है, देन उसके बाद आप जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इसमें मानेंगे लगभग 44 रुपीज़ से लेकर 45 रुपीज़ तक का स्टॉक में रेजिस्टेंस है। एक बार 45 रुपीज़ ब्रेक हो गया देन डेफिनेटली 60 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक वापस ट्रेड करेगा आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर। ओवरऑल ये उत्तम अवसर है, आप अभी तक खरीदते रहिए, छोटी छोटी क्वांटिटीज करिए 10, 20, 50, ताकि आपको बड़ा नुकसान नज़र नहीं आए। आप छोटी छोटी क्वांटिटीज खरीदेंगे आपको एवरेजिंग डाउन होती रहेगी, और फिर जब एक बार कहते हैं कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब आप अपनी सीट आराम से ले सकते हैं, क्योंकि जब ये चलना शुरू करेगी तो ये बुलेट ट्रेन बन चुकी होगी, और फिर अगर आपने प्रयास किया भी चढ़ने का तो सिर्फ आप अपना नुकसान और सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। क्यों? क्योंकि तब आप इसको खरीद नहीं पाएंगे, आप अटेम्प्ट करेंगे हायर प्राइस पे खरीदने की और वो आपके लिए काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। सो दोस्तों, ये हमने बात की फ्यूचर कंज्यूमर्स के बारे में, उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर ग्रुप के इस स्टॉक के बारे में आप लोग पूरी डीपली एनालाइज करेंगे। पूरा फ्यूचर ग्रुप काफ़ी फोकस कर रहा है, क्योंकि फूड एंड प्रोसेसिंग का जो सेक्टर है वो आने वाले समय में जिसकी जो कहते नहीं कि जो ग्रोथ है वो आप आज डिफाइन नहीं कर सकते, आज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो आप अभी से अच्छे फूड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो कंपनी है तो फोकस कीजिएगा, जिनमें कि फ्यूचर कंज्यूमर विल बी द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ ऐसे ही अच्छे गोल्डन स्टॉक के साथ मिलेंगे, काफ़ी गिरावट जिनमें हो चुकी होगी, जो बॉटम फॉर्मेशन कर रहे होंगे उन स्टॉक के बारे में अब हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, जिससे आपको सही समय पर बॉटम प्राइस में अच्छे फंडामेंटल साउंड स्टॉक खरीदने का अवसर मिले और बड़ा मुनाफा कमाने का भी मौका मिले। दोस्तों तो देखते रहिए दोस्तों हमारा चैनल मनी ट्री, और अपनी एनालिसिस जरूर करते रहिए किसी भी तरह के निवेश से पहले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।